हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी में। दोस्तों, यूपीपीएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट कराया है 28 अक्टूबर को पीसीएस पोस्ट के लिए, एसीएफ और आरएफओ पोस्ट के लिए, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, आज उस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने एग्जाम दिया होगा, आप जानते होंगे एग्जाम का पैटर्न और लेवल किस तरह का रहा होगा, और किसी भी एग्जाम की कट ऑफ किस चीज पर डिपेंड करती है, उसका पेपर लेवल, टोटल पोस्ट और एप्लीकेंट टोटल। अगर मैं इसका टोटल पोस्ट की बात करूं तो 917 टोटल पोस्ट है जो ऑफिशियल निकाली गई है। कुछ स्टूडेंट और अखबार से ये भी खबर आ रही है कि लोअर की पोस्ट इसमें जोड़ी गई है लगभग 300, तो हो सकता है ये पोस्ट 1200 हो जाए। मगर दोस्तों, मैं आपको एक बात ये बता दूं पहले, केवल ऑफिशियली जो अभी तक है, ऑफिशियली केवल ये ही पोस्ट है। 300 जो लोअर की पोस्ट जोड़ी गई है ये बताया गया, ये अभी ऑफिशियल नहीं है। वास्तविकता यह है, पीसीएस का पैटर्न पहले से ही ऐसा रहा है कि जब भी पीसीएस के प्री का एग्जाम का जो रिजल्ट आना होता है, तब तक की जितने भी वैकेंसी सीट होती हैं पीसीएस में, वो सभी को काउंट कर दिया जाता है जो ऑफिशियल वैकेंसी होती है उसमें। यानी कि आपकी 917 पोस्टों में वैकेंट पीसीएस की पोस्ट को ऐड कर दिया जाएगा, और ये वैकेंट जो पीसीएस की ऐड होंगी ये लोअर की होंगी जब तक आपका पीसीएस प्री का रिजल्ट आएगा। पीसीएस प्री का रिजल्ट आएगा। अगर दोस्तों बात करें इन 1200 पोस्टों के लिए, जो क्वालिफाई बच्चे होने प्री में, लगभग 20,000 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, यानी इनका 18 गुना, लगभग 18 गुना पोस्टों के लिए इन्हें रिजर्व किया गया है। 20,000, लगभग 20,000 बच्चों को प्री में क्वालिफाई किया जाएगा। अगर मैं आपको बता दूं, 6 लाख स्टूडेंटों ने प्री के लिए एग्जाम डाला था, प्री के लिए जो एग्जाम फिलअप किया था 6 लाख स्टूडेंट ने, और जो प्रेजेंट मिले हैं लगभग 63% स्टूडेंट है जिन्होंने प्री दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 3.7 लाख स्टूडेंट ने ही केवल प्री दिया है, यानी बाकी बच्चे क्या मिले हैं, अब्सेंट। तो यही चीज चीज पर भी डिपेंड करती है मेरिट, जो फैक्टर आपको मैं बता रहा हूँ। पीसीएस में पहली बार हुआ है कि 1/3 का निगेटिव रखा गया है, 1/3 निगेटिव। इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, वो आप जानते होंगे। पेपर फर्स्ट से आपकी मेरिट बनती है, और आपको मैं बता दूं, पेपर फर्स्ट जो है प्रीवियस की भांति हार्ड नहीं था, थोड़ा इजी था प्रीवियस की। मगर अगर मैं फिर कंपेयर करूं उसी चीज को निगेटिव से, तो लगभग लेवल पेपर का एक ही बन जाता है निगेटिव की वजह से। तो इस निगेटिव की वजह से अब की बार पेपर के कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड ने बहुत स्टूडेंट का खेल बिगाड़ा है, बहुत बच्चे केवल बॉर्डर लाइन पर है। और पेपर सेकंड में पास होने के लिए, पेपर सेकंड में पास होने के लिए आपको 33% होना चाहिए। अगर आप पेपर सेकंड में 33 क्रॉस करते हैं तो आपकी पेपर फर्स्ट कॉपी चेक होगी, वरना कॉपी चेक नहीं हो जाएगी। और बहुत बच्चे केवल पेपर सेट में, सी सेट में ही अपने आप को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं बात बता दूं पेपर फर्स्ट के पेपर लेवल की, तो पेपर फर्स्ट में कुछ इजी क्वेश्चन थे, कुछ मॉडरेट थे, और कुछ क्वेश्चन हार्ड थे। कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, मगर ज्यादा जो पोर्शन था वो इजी और मॉडरेट का था। हार्ड क्वेश्चन ज्यादा नहीं डाले गए थे अब की बार, इजी और मॉडरेट थोड़ा ज्यादा में था। अब कट ऑफ की बात कर लें एक बार, कि कट ऑफ क्या जा सकता है इसका। इसका पूरा डिटेल के साथ आप ही पर भी स्टडी करने के बाद, आपसे जो स्टूडेंट मिले हैं कोचिंग से अपने एग्जाम सेंटर्स के बाहर, उनसे स्टडी करने के बाद जो कट ऑफ सामने आता है उस पर डिटेल से स्टडी करते हैं एक बार। अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल का जो कट ऑफ जा सकता है क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में से, 150 क्वेश्चन में से क्या कट ऑफ जा सकता है, अगर आप 85 प्लस स्कोर कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन कितना है 85 प्लस, क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किया अपना निगेटिव निकालकर, अपना निगेटिव निकालकर आपने 85 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल सही किया है, और आपका स्कोर हो रहा है 113.05, तो आप सेफ है। जनरल मेल के लिए बात कर रहा हूं मैं, 85 प्लस क्वेश्चन, 113.05 मार्क्स, और आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। हो सकता है 85 में एक या दो क्वेश्चन का ही इफेक्ट होगा इस कट ऑफ में। अगर मैं मेल के लिए बात करूं तो 80 प्लस क्वेश्चन फीमेल कैटेगरी के लिए सेफ है, और इनकी मार्किंग अगर हो रही है 106, इनकी मार्किंग जा रही है 106.4, तो सेफ स्कोर होगा। और सजेस्ट है सोम एकेडमी का कि आप मेंस की, दोस्तों अगर ओबीसी मेल वर्ग की बात करें तो ओबीसी मेल और फीमेल जनरल में ज्यादा कैटेगरी में फर्क नहीं होता, ओबीसी मेल और जनरल का लगभग कट ऑफ एक सा होता है, एक या दो नंबर का नीचे होता है बस। अगर मैं ओबीसी मेल वर्ग की बात करूं तो ओबीसी मेल वर्ग का जो कट ऑफ है 83 प्लस क्वेश्चन अगर आपका है,
83 प्लस क्वेश्चन और आपका स्कोर हो रहा है अगर 110, 110 पॉइंट, 110 के प्लस में अगर आपका स्कोर हो रहा है तो ये सेफ है और आप मेंस की तैयारी के लिए तैयार रहें, आप मेंस की तैयारी करें। अरे मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो फीमेल कैटेगरी में अगर आपका स्कोर जा रहा है 79 प्लस, कितना 79 प्लस, ये क्वेश्चन है। अगर आपका फीमेल कैटेगरी में ओबीसी में 79 प्लस क्वेश्चन है और आपका स्कोर अगर 105.07 है, 105.07 प्लस, तो आप मेन के लिए तैयार रखें अपने आप को। ये पूरा कट ऑफ हम एक एक कैटेगरी वाइज बता के चल रहे हैं। मगर बात करें एससी एससी की मेल वर्क की, तो एससी मेल वर्क 78 प्लस क्वेश्चन, 78 एससी कैटेगरी 78 प्लस क्वेश्चन है अगर मेल कैटेगरी में, तो सेफ स्कोर है और आपका स्कोर हो रहा है 103.74। तो ये सेफ स्कोर होगा, आपकी मार्किंग अगर इतनी है तो ये सेफ स्कोर होगा। और मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो फीमेल कैटेगरी में अगर आपका 72 है, 72 प्लस क्वेश्चन अगर आपका है, आपने अटेम्प्ट किया है, सही है ये इतना निगेटिव के बाद, तो आप सेफ जोन में है और आपकी मार्किंग है अगर 95.16, 95.16, तो ये सेफ स्कोर होगा एससी फीमेल कैटेगरी के लिए, एससी फीमेल कैटेगरी के लिए सेफ होगा। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का कितना हो सकता है, तो एसटी कैटेगरी 65 प्लस, 65 प्लस क्वेश्चन अगर सेफ है, सही है बिल्कुल आपका निगेटिव काटने के बाद, तब का है ये, तो और आपका स्कोर है 86, स्कोर 86.45 प्लस, तो आप सेफ जोन में है और मेंस की तैयारी करें। फीमेल कैटेगरी में बात करें एसटी का, तो एसटी का फीमेल कैटेगरी 60 प्लस क्वेश्चन अगर आपका है तो आप सेफ है और आपकी मार्किंग अगर है, आपकी मार्किंग है 79.80, 79.80, तो ये सेफ है। दोस्तों जैसे आपको पूरा दिख रहा होगा अब एसटी जनरल ओबीसी फीमेल फीमेल पूरा आप कैटेगरी वाइज हमने कट ऑफ लगाया है। और एक्स सर्विसमैन की बात करें, एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ ज्यादा नहीं जाता, एक्स सर्विसमैन का जो कट ऑफ है वो 50 प्लस क्वेश्चन अगर है, 50 प्लस क्वेश्चन है एक्स सर्विसमैन और आपकी मार्किंग अगर है 66.05, इट इज सेफ, ये सेफ होगा। और मैं सोम अकेडमी का सजेशन है आपको कि आप मेंस की, दोस्तों एसटी कैटेगरी का 65 प्लस क्वेश्चन अगर है तो सेफ है, 86.5 अगर मार्किंग हो रही है, मेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, मेल कैटेगरी में इतनी मार्किंग कर रहे हैं तो सेफ है। एसटी फीमेल कैटेगरी में 60 प्लस क्वेश्चन सेफ रहेगा और मार्किंग 79.80 अगर आपकी मार्किंग है तो सेफ होगा। दोस्तों ये मार्किंग तब है जब आपने अपना निगेटिव काट लिया होगा, बिल्कुल करेक्ट अगर आपका आंसर इतने बैठ रहे हैं, सेफ है। एक्स सर्विसमैन की 50 प्लस क्वेश्चन सेफ हो जाएगा और 66.05 प्लस क्वेश्चन मार्किंग सेफ होगी, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो ये कट ऑफ था दोस्तों, जो पूरा प्रेडिक्शन करने के बाद में, एनालिसिस करने के बाद में एक कट ऑफ निकल कर आया है। अगर मैं आपको बता दूं पेपर के लेवल को, जहां तक आप समझ रहे हैं इजी है, इजी है, मगर इतना नहीं कि आपकी कट ऑफ को इतना बढ़ा दे कि बहुत ज्यादा हो जाए। कुछ कट ऑफ 110 100 तक भी प्रिडिक्शन लगा रहे हैं अपना अपना, वास्तविकता यह है कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर फर्स्ट में आपकी बार निगेटिव जोड़ दी गई है जो आपके कट ऑफ पर पूरा का पूरा इफेक्ट डालने वाली है। और पेपर सेकंड में भी जैसा मैंने आपको बताया है सी सेट में अच्छा खेल बना है, अच्छे क्वेश्चन डाले गए थे जो अच्छी आपकी कट ऑफ को बनवाएंगे और आपकी अपसेंट भी बहुत ज्यादा रही है, 18 गुना बच्चे सेलेक्ट होने हैं, तो कट ऑफ यही जाने वाला है, आप ध्यान से देख लें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें कि आपके मुताबिक कट ऑफ कितना है और आपकी मार्किंग कितनी है, वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा आपके आंसर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।